मुंबई एपीएमसी प्याज आलू थोक बाजार में आज प्याज की कीमत 30 से 40 रुपए है। आज मंडी में प्याज के 99 ट्रकों से करीब 20,000 बोरी प्याज की आवक हुई है। 43 आलू ट्रकों से 22,000 बोरी आलू आ चुका है और आलू की कीमत 20-24 रुपए प्रति किलो है। 60 ट्रक लहसुन से करीब 1,200 बोरी लहसुन की आवक हुई है और लहसुन का रेट 150 से 170 रुपए प्रति किलो है। नवरात्र के चलते व्रत रखने वाले लोगों की ओर से फलों की मांग बढ़ रही है, इसलिए मुंबई एपीएमसी थोक फल बाजार में फलों की कीमत बढ़ गई है। बाजार में आज अनार की कीमत 130 से 170 रुपए, अनानास 50 रुपए, मौसम्बी 40 रुपए प्रति किलो है। साथ ही सेब 120 से 160 रुपए प्रति किलो और संतरा 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। मुंबई एपीएमसी सब्जी थोक बाजार में आज 644 कारें पहुंची हैं। टमाटर के अलावा बाकी सभी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। टमाटर 20 रुपए किलो है, रतन 100 रुपए प्रति किलो, बैंगन और भिंडी 30 रुपए प्रति किलो, हरी फलियां 40 रुपए प्रति किलो और गाजर 30 रुपए प्रति किलो बिक रही है, जबकि मेथी, धनिया, पालक जैसी पत्तेदार सब्जियों की कीमत 40 से 50 रुपए है। मुंबई एपीएमसी थोक मसाला बाजार में आज तिल 160 से 200 रुपए प्रति किलो है, चीनी 40 रुपए प्रति किलो है तो गुड़ की कीमत 52 रुपए है, घी 61 से 74 रुपए लीटर है। बाजार में आज काजू 600 से 800 रुपए, बादाम 750 से 800 रुपए और खजूर 115 से 150 रुपए प्रति किलो है। मुंबई एपीएमसी थोक अनाज बाजार में सभी दालों की कीमतें बढ़ गई हैं। आज बाजार में तुर दाल 180 रुपए तक पहुंच गई है, मुगदल 120 से 140 रुपए, मसूर दाल 80 से 90 रुपए, हरा धान 80 से 100 रुपए और सफेद धान 80 से 90 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। बाजार में आज गेहूं 40 से 45 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि ज्वार 50 से 60 रुपए और बाजरा 28 से 45 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। बाजार में मूंगफली आज 130 से 160 रुपए प्रति किलो है।